दोस्तों, हमारी दुनिया मिस्टीरियस वर्ल्ड यानी कि रहस्यमय दुनिया है। इसमें बहुत सारे रहस्य भरा पड़ा हुआ है जिसको सुलझाना वैज्ञानिकों के बस में नहीं है। तो चलिए, आज के वीडियो में हम आप लोगों को इस रहस्यमय दुनिया के 5 रहस्यमय जगहों के बारे में बताते हैं। आज की रहस्यमय जगहों के पहले लिस्ट पर है डॉल आइलैंड। यह आइलैंड मैक्सिको में स्थित है। इस आइलैंड पर आपको ऐसे ऐसे डॉल मिलेगा जो आपकी रातों का नींद उड़ा देगा। किसी डॉल का सर नहीं है तो किसी का पैर उसके शरीर से अलग है, लेकिन आखिरकार ये डॉल यहाँ पे क्यों लटकाए गए हैं? इन डॉल का यहाँ लटकाने का मकसद क्या है, तो आइए इसको विस्तार से जानते हैं। डॉल आइलैंड की पूरी कहानी शुरू होती है 1950 से। दरअसल ये आइलैंड नहीं बल्कि एक प्रकार का तैरता हुआ बगीचा है, इसकी देखभाल के लिए जूलियन नामक एक व्यक्ति को दिया गया था। जूलियन उसी बगीचा में रहकर उस बगीचे की देखभाल करता था। एक रात को जूलियन की आंख के सामने एक ऐसी घटना घटी जो इस आइलैंड की तस्वीर को बदल कर रख दिया। उसने देखा कि एक छोटी सी बच्ची की लाश केनाल में से बहती हुई आ रही है, लेकिन यह बात उसके लिए एक अजीब बात थी क्योंकि उस समय बगीचा में उसके अलावा कोई और व्यक्ति नहीं रहता था। फिर अगले दिन उसी केनाल में से एक डॉल बहती हुई उसकी तरफ आई, ठीक वैसे ही रहस्यमय तरीके से जैसे कि वह लड़की बहती हुई आई थी। जूलियन ने उस डॉल को यह सोचते हुए उठा लिया कि डॉल उस लड़की का है और यह डॉल उस लड़की की आत्मा को शांति दिला सकता है। परंतु डॉल को घर लाने के बाद जूलियन के साथ अजीब अजीब घटना घटने लगी। उसे रात में अजीब सी चीखने चिल्लाने और रोने की आवाजें आने लगी। इस घटना के बाद जूलियन को लगा कि लड़की की आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए बहुत सारा डॉल की जरूरत है। उसके बाद वह सभी जगह से डॉल लेकर आइलैंड पे लगाना शुरू कर दिया, लेकिन धीरे धीरे जूलियन को लगा कि वह आइलैंड उस लड़की की आत्मा की वजह से भुतहा हो गया है। उसके बाद से जूलियन सभी जगह से डॉल उस लड़की के लिए नहीं बल्कि अपने आप को बचाने के लिए जमा करने लगा। जूलियन को लगता था कि डॉल उसे उस लड़की से बचा लेगा। इस प्रकार आइलैंड पर 1500 से ज्यादा डॉल का घर बन गया। 2001 में जूलियन के मृत्यु के बाद इस आइलैंड की देखभाल उसके रिश्तेदारों को सौंपी गई, जिसका मानना यह है कि अभी भी उस लड़की की आत्मा आइलैंड पर घूमती है और रात को सारी डॉल जीवित होकर एक दूसरे से बात करती रहती है। रहस्यमय दुनिया में आज के वीडियो के लिस्ट में दूसरे स्थान पर है मैग्नेटिक हिल। लद्दाख के लेह शहर से 90 माइल दूर श्रीनगर लेह हाईवे पर एक ऐसा अद्भुत पहाड़ है जो लोगों को अचंभित कर देता है। लेह में स्थित इस पहाड़ को मैग्नेटिक हिल के नाम से जाना जाता है। इन पहाड़ी में रोड का स्लोप अपवाद तो दिखता है, परंतु जब आप अपनी गाड़ी इस रोड पर खड़ी कर दे तो वह नीचे नहीं बल्कि वह खुद ब खुद ऊपर की तरफ जाने लगती है। यहाँ की पहाड़ियाँ गाड़ियों को ही नहीं, ये हवाई जहाज को भी अपने ओर खींचती है, जिसके कारण हवाई जहाज के पायलट इस पहाड़ी से गुजरते समय अपनी स्पीड बढ़ा लेते हैं ताकि पहाड़ी के चुंबकीय शक्ति से बचा जा सके। ये पहाड़ी गाड़ियों को 15 से 20 किलोमीटर की रफ्तार से अपनी ओर खींचती है। वैज्ञानिकों ने इस मैग्नेटिक हिल को लेकर बहुत सारे थ्योरी दिए हैं, परंतु उसका सीक्रेट क्या है कोई नहीं बता पाया है। मैग्नेटिक हिल के पीछे एक ऑप्टिकल इल्यूजन यह है कि हाईवे हिल के स्लोप के ऊपर जाते हुए केवल नजर आता है, परंतु वह एक्चुअली में चढ़ाव पर नहीं बल्कि उतार पर रहता है। यह ऑप्टिकल इल्यूजन होने का कारण यह है कि रीजन का होरिजिन यानी कि क्षितिज माउंटेन के कारण नजर नहीं आता है। क्षितिज के ना देखने से हाईवे के आसपास एक लैंडस्केप में देखने वाला भ्रमित रहते हैं। ऐसे में ग्राउंड का स्लोप ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है ये बता पाना मुश्किल हो जाता है। मिस्टीरियस वर्ल्ड के इस वीडियो के तीसरे स्थान पर है केनो क्रिस्टल नदी। वैसे तो प्रकृति पृथ्वी पर कई रहस्यमय स्थान बनाया है, परंतु क्या आपको पता है कि एक नदी ऐसी भी है जो हर साल मौसम के अनुसार रंग बदलता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केनो क्रिस्टल नदी की, जो कोलंबिया में स्थित है। इसकी लंबाई 100 किलोमीटर और चौड़ाई करीब 20 मीटर है। इस नदी की खासियत है कि यह मौसम के अनुसार रंग बदलती रहता है। किसी खास मौसम में इसका रंग खास होता है। ये लाल, नीला, पीला, नारंगी और हरा हो सकता है।
जिसके कारण इस नदी को लिक्विड रेनबो के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल केनो क्रिस्टल नदी में मैकेरियाना केलेबिगेरा नामक पौधा पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग बदलते रहता है। इस पौधे को अगर किसी खास मौसम में निश्चित जल और पर्याप्त सूर्य की रोशनी मिले तो इसका रंग हल्का या फिर गाढ़ा लाल हो जाता है। इस रंग मिजाज नदी का खूबसूरती आप वर्ष के जून माह से लेकर दिसंबर माह तक ही देख पा सकते हैं। यह नदी कोलंबिया के सरानिया दिला मैकेटिना इलाके में बहती है। प्रकृति की इस खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए यहाँ कुछ नियम और कानून भी बनाए गए हैं, जैसे कि एक बार में एक ग्रुप में 7 से ज्यादा लोग अंदर नहीं जा सकते हैं और इस तरह एक दिन में केवल 200 से ज्यादा लोग को प्रकृति के इस खूबसूरती का आनंद लेने का परमिशन नहीं है। वीडियो के लिस्ट में चौथे स्थान पर आते हैं ईस्टर आइलैंड। दोस्तों, ईस्टर आइलैंड 163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक रसमय द्वीप है, जिस पर 887 स्टेच्यू मौजूद है। इस स्टेच्यू को यहाँ किसने बनाया, इसको बनाने की वजह क्या है और इसको बनाने वाले लोग आखिर कहाँ रह रहे हैं, इस तरह के सवाल बहुत सारे लोगों के मन में उठते रहते हैं। ईस्टर आइलैंड में रहने वाला लोग पहले इस आइलैंड का नाम रप्पा नुई रखा था, जो कि साउथर्न पैसिफिक ओशियन में मौजूद चिली देश के क्षेत्र में आता है। चिली से इसकी दूरी 3,666 किलोमीटर है और पिटकेरी नामक आइलैंड से 1921 किलोमीटर है। ईस्टर आइलैंड पर मौजूद 887 स्टेच्यू को मोई कहा जाता है। इन स्टेच्यू की साइज काफी अलग अलग है, परंतु सबसे बड़ी स्टेच्यू की साइज 33 फीट एवं वजन 8000 केजी है। दोस्तों, आश्चर्यजनक बात यह है कि सभी स्टेच्यू की फेस ओशियन की तरफ मुड़ा हुआ है, जिससे हम साफ साफ शब्दों में यह कह सकते हैं कि इन स्टेच्यू को बनाने वाले लोगों का मेन मकसद अपने एरिया को प्रोटेक्ट करना था। बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि इस आइलैंड पर मौजूद स्टेच्यू को एलियन द्वारा बनाया गया है, परंतु ये सारी स्टेच्यू जिन मटेरियल से बना है उसे आइलैंड के नॉर्थ ईस्ट पर मौजूद एक ज्वालामुखी से लाया गया था। इस प्रमाण से यह साबित होता है कि यह स्टेच्यू एलियन के द्वारा नहीं बनाया गया था। एक स्टडी के मुताबिक इस आइलैंड पर 17,000 लोग से भी ज्यादा लोग अपना जीवन यापन कर सकता है और इस बात की पुष्टि वहां पर उपलब्ध आलू के उत्पाद और सी फूड ने की है। लेकिन जब इस आइलैंड का खोज किया गया था तो वहां पर केवल स्टेच्यू ही थी। ऐसे में सवाल यह उठता है कि इस आइलैंड के लोग आखिर कहां गए। इसके पीछे बहुत सारे थ्योरीज दिए गए हैं, परंतु आज तक कोई भी इन रहस्यमय सवालों का सही जवाब ढूंढने में सफल नहीं हो पाया है। और अब आते हैं पांचवें और अंतिम मिस्टीरियस प्लेस पर। दोस्तों, भारत के उड़ीसा राज्य में समुद्र के किनारे स्थित जगन्नाथपुरी टेम्पल एक बहुत ही प्रसिद्ध और पुरानी टेम्पल है। मंदिर के टॉप पर एक फ्लैग है और वह फ्लैग काफी मिस्टीरियस है, क्योंकि हम जानते हैं कि जनरली नॉर्मल फ्लैग हवा की डायरेक्शन में उड़ता है, परंतु जगन्नाथ टेम्पल पर स्थित फ्लैग हवा के अपोजिट डायरेक्शन यानी कि जिस ओर से हवा आती है उसके विपरीत दिशा में वह उड़ती है। इसके पीछे क्या कारण है, आज तक किसी को कोई ठोस जवाब नहीं मिला। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।